प्रदेश में 22 से 26 अक्टूबर तक हर जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की अनदेखी व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसी कड़ी में हमीरपुर के गांधी चौक पर सिट्टू के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की मांग है कि केंद्र सरकार के वायदे को प्रदेश सरकार में लागू करते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन का आरोप है कि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं के शुरू होने से ICDS को खत्म करने की योजना है, जिससे उनको भविष्य की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी से सबसे ज्यादा काम लेती है, लेकिन वेतन मान बहुत कम दिया जाता है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए। सिट्टू के जिला अध्यक्ष जोगिंदर ने बताया कि संघ की प्रमुख मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उन्हें हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाना चाहिए। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन संबंधित CI2 हिमाचल प्रदेश में 22 से लेकर 26 अक्टूबर तक जो है हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है और आज उसी कड़ी में हमीरपुर के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में जो नर्सरी क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया गया है, वो एक तरीके से आंगनवाड़ी ICDS को ख़त्म करने की एक योजना का एक हिस्सा है। और हम ये देखते हैं कि जिस मकसद के लिए ICDS को शुरू किया गया था, बच्चों के महिलाओं के जो कुपोषण उसको दूर करने के लिए, और उस मकसद से उनको पोषाहार दिया जाता था, अब उस सरकार उसको धीरे धीरे से अपना हाथ पीछे खींच रही है और प्राइवेट निजी कंपनी को जो है अब पैक्ड फूड के नाम से और आश्रितों को जो उसके लाभार्थी हैं उनके खातों के अंदर जो है पैसा डालने के नाम पर जो है धीरे धीरे इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है और सबसे कम वेतन यहाँ पे दिया जाता है। हमारी आज मांग ये है कि हरियाणा की तरफ पर 13,500 रुपया वर्कर को और 7,000 रुपया जो है हेल्पर को दिया जाए। इसके साथ साथ जो सरकार ने वायदा किया था केंद्र सरकार ने कि जो स्कीम वर्कर हैं, जो योजना कर्मचारी हैं जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर भी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, सरकार उस फैसले को लागू करे और तमाम जो देश के अंदर महिलाएं जो काम करती हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तमाम सुविधाएं जो कर्मचारी को दी जाती हैं वो सुविधाएं इन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दी जाए।